अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ और आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ज। जैसे कि आप लोग जानते हैं बारिश की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूं, तो आप आज इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज अब्दुलरहमान और मैं, हम दोनों आपको गाइड करने लगे हैं कि भाई अगर आपकी फीमेल क्रॉस करवा रही है तो कब अंडे ले करेगी, अगर क्रॉस कितने दिन करती है, कितने दिन के बाद अंडे ले करती है। तो इस वीडियो में डिटेल से सारी बातें डिटेल से बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो पहले तो सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को नीचे अच्छे से कमेंट कर दें, एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भाई आपका फ़ायदा है, हमारा भी फायदा है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो अगर आपका पैरेट लग गया तो माशाल्लाह से मुबारक हो। ये देख लो, ये अब्दुलरहमान ऐसे नहीं करते, गंदा अंडा ऐसे नहीं करते। तो भाई साहब से पहले तो आपको मुबारक है, आपका पैर लग गया है और वो क्रॉस कर रहा है, मेरी तरफ से आपको मुबारक है। और भाई आपको बता दूं, क्रॉस जो होता है ना, अगर आपका पैर पहले भी ब्रीड कर चुका है या आपके दोस्त के पास कर चुका है या भाई आपके वो शेड पे पहले कर चुका है, मतलब एक साल दो साल कर चुका है, तो भाई आप अभी ब्रीड लेना चाहो तो भाई आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी फीमेल क्रॉस करवा रही है तो भाई आपका जो मेल फीमेल है उनका क्रॉसिंग का जो दौरान है वो तकरीबन 15 से 20 दिन होगा, 20 या 25। इन दिनों में ना आपकी फीमेल जो है ना अंडा ले कर देगी। कितना दिन क्रॉस कराते, यही को 10 15 दिन 20 दिन यही क्रॉस करवाती है, उसके बाद अंडा वगैरह इनका ले हो जाता है। और पहले शुरुआत से क्या होता है, मेल उसके ऊपर बैठता है सही से, ठीक है, बैठता है, उतर जाता है, 3-4 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, उसके बाद भाई आस्ता आस्ता जो है ना सही प्रॉपर अपनी जो टेल नीचे से लगा के वो क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो आपको बता दिया, अंडा जो है ना वो आपको 15 दिन के बाद भी नज़र आएगा, 20 दिन के बाद भी नज़र आ जाएगा, मगर फिर भी क्या होता है, जब तक आखिरी अंडा ले ना हो जाए, मतलब 4 अंडे या 5 अंडे तक वो एंड तिकर क्रॉस करते रहते हैं। मतलब आज हमारी फीमेल ने 4 अंडे ले कर दिए तो भाई आज फिर वो शाम को या सुबह को फिर क्रॉस करवाएगी, उसके बाद भाई 5वां अंडा आने के बाद हमारी फीमेल क्रॉस नहीं करवाएगी। तो भाई ज़्यादातर ये देखने को आता है कि भाई हमारी फीमेल जो है ना काफ़ी दिनों से हमारा पैर जो है ना वो क्रॉस कर रहा है तो मगर अभी तक अंडा नहीं आया, टेंशन यही होती है। तो भाई आपको बता, जब हमारे पैरट जो होते हैं ना फास्ट ब्रीड कर रहे होते हैं, मगर भाई क्या होता है, हम किसी दोस्त से लेकर आते, बाजार से लेकर आते हैं कि भाई हमारा जो पैरट है ये ब्रीड हर साल ब्रीड करता है, मगर भाई ये बात सच नहीं होती, वो फास्ट ब्रीड पे होता है या तो फीमेल की एज कम होती। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया और किसान बहुत यार ना शोर मचा रहा भाई देख लो। तो भाई क्या होता है, हमारी फीमेल की एज मुकम्मल नहीं होती, कम होती है, फास्ट ब्रीड पे जो पेयर होता है ना भाई वो लवबर्ड कोई भी परिंदा है ना वो 1 महीना 2 महीने ज़्यादातर 2-3 महीने लगा जाता है क्रॉस करते करते, मतलब डेली क्रॉस करेंगे, कभी 2-3 दिन छोड़ के फिर बाद में भाई अंडा ले होता है। हमारा जो माशाल्लाह से ये पेड़ है ना, पिछले साल अभी तो ये मेरा हमारे हमसे उड़ गया था, या पीछे वीडियो देख लें, हमें इसने 2-3 दिन है ना बहुत तंग किया और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। और यकीन माने आप वीडियो भी देखें, मैंने 3 दिन अपना मुंह भी नहीं धोया, यकीन अभी आप मेरा चेहरा देख सकते हैं और अब्दुलरहमान से भी पूछ सकते हैं। अभी मैंने बताया, सच में बोला है ना, अब्दुलरहमान मेरी तरफ देखने लगा कि जो है ना चाचू जो है ना ये अच्छी सी बातें कर रहा है। तो भाई हमारी फीमेल तब अंडा ले नहीं करती जब यार काफ़ी देर हो, मतलब एज कम होती है या फर्स्ट ब्रीड होती है, तब यार ये देखने को मिलता। तो भाई आप इन दिनों में ना अंडा ब्रेड का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, उसके बाद मेथी का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 3 दफ़ा आपने अंडा ब्रेड देना, हफ्ते में 3 दफ़ा आपने मेथी देनी है, हफ्ते में 3 दफ़ा आपने वो पालक का पत्ता देना, ये 3-4 चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। और भाई अगर शुरू से आप देख रहे हैं ना कि हमारा पैरट जो है ना अभी तक वो क्रॉस के मूड में नहीं आ रहा, हमारा पैर जो है एक दूसरे को मार रहा है, तो भाई 1 हफ्ता 10 दिन उनको अलग अलग रखें, ठीक है, उनको एमियाँ 3 दिन इस्तेमाल करवाएं या मतलब 7 दिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, वो शुरू से आपने करवाने थे, अभी नहीं करवाने, अभी आपने 3 दिन इस्तेमाल करवाने, 3 दिन एमियाँ दाने पे लगा के, अमरूद पे लगा के, रोज़ 1 कैप्सूल दोनों को, समझ ले दोनों को 1 कैप्सूल, और अलग अलग इनको रखें 3 दिन
उनको आप कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं, फिर भी चार पांच दिन उनको अलग अलग रहने दो। मेल को आपने अलग रखना है जहाँ पे आपने ब्रीड लेनी है, फीमेल को आपने अलग केज में रखना है जहाँ पे आपने ब्रीड नहीं लेनी। फीमेल को आपने निकाल के अपने मेल वाले केज में छोड़ दें, इंशाल्लाह आपका पेड़ भी लग जाएगा। उसके बाद डिटेल से यार शॉर्ट फूड इनको दें, अच्छा शॉर्ट फूड दें, दाना दें, जो चीज़ें मैंने आपको मेथी अंडा ब्रेड पालक वगैरह बताया डिटेल से आप देखें, इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आ जाएगी। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी 5 मिनट की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।